संजय आने वाला है, किसी को भी कुछ बताया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अरे आ गए तुम। अरे यार इसका मनु शक्ल देख लिया मैंने, पूरा मूड खराब हो गया। अच्छा एक बात बताओ ना, अगर इसने रजत को हमारे बारे में कुछ बता दिया तो? अरे डोंट वरी बेबी, ये क्या बताएगी, इसे पता है ना अगर इसने बता दिया तो मैं इसका क्या हाल करूंगी। और ये दिन भर यही रहती है क्या, ससुराल नहीं जाती है? कैसे जाएगी, अपने पति को तो खा चुकी है, ऐसे लड़की को कौन घर पे रखेगा, अब आ गई है मेरा घर बर्बाद करने। देखो मैं बस रजत का सोचकर चुप रहती हूँ, लेकिन तुम मेरे पति के बारे में कुछ नहीं बोल सकती। मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी, क्योंकि आज अगर वो जिंदा होते मुझे तुम्हारी ये जली कुटी नहीं सुननी पड़ती। पति तो तेरा कब का मर चुका है, इतना उछल क्यों रही है? हाँ आ गई है मेरे पति के ऊपर काला साया डालने। वो तुम्हारा पति है, उसके साथ साथ मेरा भाई भी है। अच्छा तो तेरा भाई है तो इसलिए उसे लूटेगी, कोई काम धंधा कर ले, पड़ी पड़ी कितना दिन खाएगी। भाई ने कुछ पैसे मुझ पर खर्च कर दिए तो क्या हो गया, मैंने भी तो उसकी पढ़ाई पर कितना खर्चा किया है। अच्छा तू उसी का पैसा वसूल रही है तू? कितनी घटिया इंसान। अच्छा है जो मुझे, मैं रजत को बता कर रहूंगी। मैं बस उसे ये सब इसलिए नहीं बताती क्योंकि जिस दिन मैंने बता दिया उसी दिन वो तुम्हें डिवोर्स दे देगा। हाँ तो डरा किसे रही हो, जाके बता दो उसे सच। वैसे भी वो अनु को डिजर्व नहीं करता है, उसके औकात भी है अनु की जरूरतें पूरी करने की। हाँ अनु मेरे साथ खुश है और तुम एक ये पकड़ पैसे और अपना मुंह बंद रखना, समझी? अच्छा हुआ बेबी जो तुमने इसे पैसे दे दिए, वैसे भी रजत के सैलरी से इसका खर्चा नहीं उठ रहा था। चल उठा ले पैसे। अच्छा है जो हो जाए, मैं रजत को सब कुछ सच बता कर रहूंगी। अब तुम एक काम करो, तुम छुप जाओ। मीटिंग कैंसिल हो गई तो लंच करने आ गया। आइए। आप बैठिए दीदी, आप चलिए मेरे साथ। किसी को भी कुछ भी बताने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? देखो तुम संजय को छोड़ दो और रजत के साथ खुश रहो, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। संजय से मैं प्यार करती हूँ और रजत के साथ मैं कभी नहीं रहूंगी, समझी? मुंह बंद रख अपना। आइए मैं खाना लगा देती हूँ। दीदी तुम भी खाना खा लो। मैंने मैंने खाना खा लिया। तुम लोग बैठो, मैं अभी आई। थोड़ा देर रुको, ये लोग अभी चले जाएंगे। अरे ये लोग का क्या ड्रामा चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। खाना नहीं खाया? अनु मैंने तुम्हें खाना बनाने के लिए कहा था, तुमने दीदी से खाना क्यों बनवाया, ये ठीक नहीं है। देखिए घर का काम है, मिल बांट के करते हैं,
अब अगर छोटी छोटी बातों पे दीदी ऐसे आपको चुगली करेगी तो कैसे चलेगा? दीदी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, मैंने खुद सीसीटीवी में चेक किया है सब कुछ। क्या सीसीटीवी फुटेज? हाँ, घर की सेफ्टी के लिए मैंने सीसीटीवी कैमरा लगवाया था, और आज जब मैंने चेक किया तो मैं खुद शॉक हो गया। अपने आप सच बता दो और उसे बाहर बुलाओ। रजत देखो सॉरी, मैं समझाती हूँ, ऐसा कुछ सब कुछ देखने के बाद मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। अपने आशिक को बुलाओ और बाहर निकलो यहां से। ओए बाहर आ जा, खेल खत्म हो गया तेरा। निकलो यहां से तुम दोनों, निकलो। दीदी खाना खाती है?